आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूँ, जो कि देखो पेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है। इनको अर्जेंट लेजेंड रूपी लोन एप्लीकेशन से, कैश गेन लोन एप्लीकेशन से, लकी रूपी से, रीट रिवैलेट एप्लीकेशन से, फैमिली लोन एप्लीकेशन से और डेली लोन एप्लीकेशन से, इन्होंने सारे एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था और इनके बैंक अकाउंट में भी पैसे भी क्रेडिट हुए, लेकिन कैसे इनको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, सबसे पहले इनके पास कॉल करेंगे। आखिर इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, इनके बातों को सुनना है और इस वीडियोज में मैं आपको सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। अगर आप भी ये सब सारे 7 डेज वाला एप्लीकेशन है, अगर आप 7 डेज वाले एप्लीकेशन से परेशान हो, आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है, आपके न्यूड फोटोज बना करके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भेजा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट किया जा रहा है, तो कैसे बच सकते हो, क्या क्या तरीका है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कैसे रिपेमेंट हरासमेंट से बच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इनके पास कॉल लगा लेता हूँ। हेलो, मैं रितेश मौर्य बोल रहा हूँ, टेक्निकल सिलेक्टर से। वो लकी सर, वो बहुत मुझे तंग कर रहा है, अभी कैसे कैसे फोटोज भेज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँगी। देखिए डरना नहीं है, जो जो आपको लकी रूपी लोन एप्लीकेशन से जो प्रॉब्लम है डिटेल में बताओ। कैश गेन बहुत सारे, अच्छा कौन कौन सा एप्लीकेशन है नाम बताइए। लकी रूपी, कैश गेन और लेजेंड रूपी और कौन सा रिवैलेट, हाँ रीट रिवैलेट, यानी कि आप हाँ लकी रूपी और एक फैमिली लोन बोलकर एक हाँ। और एक कैश बिन, कैश वो एक वो स्क्रीन शॉट आपको भेजी ना, उसमें हाँ। कैश बिन देखिए, कैश वो कुछ है हाँ हाँ हाँ। वो एक 4-5 लोन ऐसा है जी, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, अभी भरने के लिए टाइम मांग रहे हूँ भी, वो लोग नहीं सुनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए लेजेंड रूपी, कैश गेन लोन एप्लीकेशन और आपका लकी रूपी वाले, हाँ लकी रूपी, मतलब ये सारे आपको परेशान कर रहे हैं जी सर, परेशान कर रहे हैं अभी। और डेली लोन है, डेली लोन वाले बोले कि 6,000 10,000 लाए, 10,000 नहीं दिए वो, 5,000 कुछ दिए हमें, 10,000 भरने के लिए बोले। अच्छा। तो 10,000 मैं नहीं भर पाई, अब 2-3 दिन से पहले 6,000 भर दो, आपका लोन क्लोज कर देंगे बोले। 6,000 भरने के बाद वो रोल ओवर में डाल दिए, फिर से भरने के लिए बोल रहे हैं 10,000। अच्छा अच्छा, देखो जो जो सारे एप्लीकेशन के साथ आपके साथ हुआ है ना, सारा डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है, कोई चीज छुपाना नहीं, ठीक है ना, जो जो आपके साथ हुआ है सारा कुछ बताओ। मुझे मैं सब पेमेंट ली हूँ, ठीक है, जब अच्छा। तक हुआ मैं तब तक पेमेंट की, रीपेमेंट की, फिर से लोन लाई सब की। अच्छा। लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास उतना, मेरा ससुर भी एक्सपायर कर गया है, ठीक है। अच्छा, अच्छा। मैं मुझे अब ऑफिस भी मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे इसीलिए मैं पेमेंट भी कर नहीं पा रही हूँ, वो ये प्रॉब्लम और कुछ नहीं। देखिए आपने तो सबसे पहले रिपेमेंट ही करके गलती कर दिया, आपको रिपेमेंट नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन NBFC RBI द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन NBFC RBI द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होता है तो रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग और पे टॉर्चर नहीं करता है, ना ही आपको ब्लैकमेल नहीं करता है। तो ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है और ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेगा ही करेगा। अच्छा ये बताइए कि आपने लेजेंड रूपी से, कैश रूपी से, जो भी आपका तीनों चारों एप्लीकेशन है, कैश गेन लोन एप्लीकेशन, फैमिली वैलेट लोन एप्लीकेशन या लकी रूपी लोन एप्लीकेशन, तो सारे एप्लीकेशन से कितना कितना लोन के लिए अप्लाई किया था और कितना बैंक अकाउंट में आया था? वो सिर्फ 7,000 करेंगे तो 4,000 आ रहा है, फैमिली लोन में 9,000 किए थे, 5,500 रुपए आया, वैसा ही आया, कुछ ज्यादा ज्यादा भी नहीं आया। मतलब कि लाइक मान लीजिए जो एप्लीकेशन में मान लीजिए 2,000 का कर रही है तो मतलब 1,500 आ रहा है, जो मैं 8,000 का कर रही हूँ जिसमें 8,000 का की उसमें 7,000 आया, मतलब ऐसा ही से कम कम करके सारे में से आया है ना? कम, बहुत कम। अभी फैमिली लोन में 9,000 का था, अभी रिपेमेंट 9,000 दिखा रहा है। अच्छा। लेकिन मुझे आया है 5,000, ठीक है, और 4,500 भी नहीं, 4,500 आया। अच्छा अच्छा, 4,500 मुझे डेली लोन वो 10,100 भरने के लिए बोले, लेकिन मुझे आया 5,600, वो भी 3 दिन वेट करने के बाद आया। अच्छा अच्छा, पैसा की जरूरत था तो ले गए, अभी उसको ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो फोटो भेजेंगे, भेज रहे हैं, मेरे पूरा कॉन्टेक्ट में भेज रहे हैं, वही मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ पर भी भेज रहे हैं, वो लोग जॉब में निकाल देंगे मुझे। हाँ अच्छा, ये बताइए एक मिनट के लिए, जैसे कि आप जो सेल्फी वेरिफिकेशन की थी उस फोटोज को न्यूड करके, मॉर्फ करके क्या आपको भेज रहा है?
हाँ, वैसा ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। देखो अच्छा एक बात और बताइए, जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे इन सारे एप्लीकेशन में, लाइक लेजेंड रूपी में, कैश गेन में, लॉकी रूपी में, या रिट्री वैलेट लोन एप्लीकेशन में, तो इसमें आपसे रेफरेंस में नंबर मांगा होगा या इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, तो कितना मांगा था, कितना मांगा था और किस किस का आपने दिया था? मेरे पापा का दी थी, मेरे हस्बैंड का दी थी, उतना अच्छा। ही मेरे हस्बैंड का, मेरे पापा के, और किसी का तो मैं नहीं देती हूँ। सारे एप्लीकेशन अगर दो से ज्यादा होगा तो मेरे मम्मी का दे रही, उतना ही वो लोग वही पकड़ कर मुझे अभी ब्लैकमेल, ठीक है, मेरे मम्मी पापा मेरे हस्बैंड उन लोगों को मैं कुछ भी समझा दूंगी, फ्रॉड है बोलकर। हॉस्पिटल में तो कुछ समझा नहीं सकते ना। नहीं, हाँ ये बात सही है। देखो मैं बोलता हूँ कि देखो इसमें से 99% लोगों का कहना है कि ये ज्यादातर क्या करते हैं ना कि रेफरेंस नंबर में ही आपको भेजते हैं न्यूड फोटोज आपको बना करके, ठीक है, तो डरना नहीं है। चलो रेफरेंस में तो आप बोल ही रही कि मैं मैनेज कर सकती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप बोल रही है कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको भेजा है, क्योंकि भेजता तो नहीं है किसी को नहीं भेजा। हाँ, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि देखिए जितने भी अगर आपके पास भेजेगा ना तो रेफरेंस में, हाँ, आपको डराएगा धमकाएगा कि अगर तुम रिपेमेंट नहीं करती हो तो तुम्हारे जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है आपको पास स्क्रीनशॉट भी भेजा होगा कुछ कॉन्टेक्ट लिस्ट का, या आपको नंबर भी बता रहा होगा, नाम भी बता रहा होगा कि अगर तुम नहीं किए मतलब करोगी तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भेज दूंगी, या ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, मतलब कि आपको पूरा रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेगा, डराएगा धमकाएगा, बोलेगा कि तुम्हारे घर पे पुलिस केस भेज दूंगा, लीगल नोटिस भेज सकता हूँ, तुम्हारे सिविल स्कोर को भी लीगल नोटिस लिख कर भेजें। मैं बोली भेज, जो भेजना है भेज, मुझे कोई डरना नहीं है। हाँ, तो आपको डरना नहीं है। अब देखो आपने रिपेमेंट करके आपने गलती किया, क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला है और 7 डेज को नाम पे जो लोन एप्लीकेशन देता है उसको रिपेमेंट नहीं करना है। भैया मैं हाफ टाइम में रिपेमेंट कर रही थी, नहीं इसलिए मुझे ऐसा, हाँ इसलिए मुझे ये सब पता नहीं चला। अभी मैं 2 हफ्ते से रिपेमेंट नहीं की तो रोल ओवर की, फिर उसके बाद मेरे पास सच में मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे ससुर जी का एक्सपायर हो गया, ये सब हो रहा है, इसीलिए 100 मैं क्यों आपको झूठ क्यों बोलूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, इसलिए नहीं सही की आपको पहले ही मेरा वीडियोस देख लेना चाहिए था ना, हालांकि कोई ना लेट सही बट कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको रिपेमेंट को, इसके बाद आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डालना है जिसमें आपको लिखना है कि मेरा जो फोन है पूरी तरीके से हैक हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के बाद ही आपको क्या करना है, 24 से 48 घंटे के बाद व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन से आपने लोन लिया था, जो जो एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन को क्लियर कैचेस क्लियर डाटा करके, लाइक मान लो क्लियर डाटा क्लियर कैसे कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन पे क्लिक किए रहना है। उसके बाद ऐप इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, जैसे ही आप ऐप इंफॉर्मेशन में जाओगे तो इसमें क्या आएगा कि आपका स्टोरेज एंड कैचेस का भी ऑप्शन आ सकता है, तो यहां पे आपको क्लियर डाटा क्लियर कैचेस क्लियर स्टोरेज सारा चीज का ऑप्शन आएगा, यहां से आपको पूरी तरीके से क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करोगे, उसके बाद व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद आपके पास भर भर के आपको अलग अलग वीपीएन से, लाइक आपके चाइना से, पाकिस्तान से, इराक, ईरान, आपके ऐसे ऐसे कंट्री के कोड वर्ड से आपके पास मैसेज आने लगते हैं, या कॉल आपको ज्यादातर कॉल पे ही आपका लाइक हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा। तो देखो आपको डरना नहीं है, जैसे वो आपसे बात करेगा ना वैसे ही आपको बात करना है, बिल्कुल डट करके सामना करना है, बोलेगा कि तुम्हारे फोटो को न्यूड बना करके भेज दूंगा, यानी कि आपको डराएगा धमकाएगा, बोलना है जो करना है करो, जो उखाड़ना है उखाड़ो, मैं तुम्हें एक भी रुपया रिपेमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप एक बार रिपेमेंट करोगे ना तो अगेन से आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। इससे अच्छा है कि आपको एक भी रुपया रिपेमेंट नहीं करना है। और आपको देखो लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन ये है, उससे पहले एक और आपको बता दूं ट्रिक करना क्या है। सबसे पहले आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसमें 3 सेटिंग ऑन करना है। अगर आपके पास फ्रॉड कॉल से कॉल आएगा, अननोन नंबर से या स्कैमर से, तो अगर आप तीनों सेटिंग को ऑन करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा कि तीनों ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा अगर आपके पास कॉल आते हैं इस तरीके से, तो ये चीज को करना है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल करना है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होने लगता है तो आपको सिम को निकाल करके, आप जो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन किए थे एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई किए थे, उस सिम को निकाल करके रख देना है। इससे क्या होगा, लाइक आपको बार बार कॉल कर रहा होगा तो लाइक देखो जैसे कि मैं बताता हूं, अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप अपना कॉलिंग नंबर
चेंज करो, मेरे से बात करना चाहते हो तो। लेकिन मैं आपको कॉलिंग ही नंबर लाइक आप देते हो, मैं कॉल ही नहीं करूँ, लाइक मैं अपना इंस्टाग्राम का यूजर आईडी ही नहीं बताऊँ, तो आप मेरे पास कैसे आप पहुँच सकते हो? यानी कि आपके बीच का कॉन्टेक्ट आपसे जुड़ेगा ही नहीं। तो वैसे ही जो एजेंट आपका नंबर जान चुका है तो आपका उनके साथ कॉन्टेक्ट हो गया है और आपको कॉल करेगा, तो अगर मैं आपको बोला कि सिम निकाल दोगे तो आपका कॉन्टेक्ट जो है टूट जाएगा, तो आपके पास कॉल करेगा तो आपके पास कॉल लगेगा ही नहीं, तो किसको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेलिंग करेगा? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिम को निकाल कर रख लेना है। मैं मानता हूँ कि आपका सिम इंपॉर्टेंट होगा, लाइक आप उससे गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी, काफी सारे चीज यूज करते होगे। अगर आप प्रॉब्लम में फंस चुके हो, बचना चाहते हो, तो इस तरीके को फॉलो करो, आप हरासमेंट ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो, सिम को अपने फोन में ही डाल के रखो और क्या करना है कि डिसेबल करके रखो। अगर आपका ओटीपी वगैरह का अगर आपका काम होता है तो सिंपली से आपको करना क्या है, डिसेबल करके रखे हो तो उसको इनेबल करना है, अगेन से डिसेबल करके रखो। तो इस तरीके से फॉलो करो, नया सिम को मार्केट से डाकर 150 से 100 में आता है, आपको मिल जाएगा, नया सिम को यूज करोगे तो। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो आप रिपेमेंट हरासमेंट से बच सकते हो। तो आपने सुना कि आखिर इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम था, कैसे ये बच सकती हैं, तो इस तरीके को अगर फॉलो करोगे तो आप हरासमेंट रिपेमेंट से बच सकते हो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।